अगर मैं बोलूं कि इतने सारे नीडल्स को आपको आपके फेस पे रोल करना है, घुमाना है, तो डर गए? डरो मत, ये कोई डरने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही असरदार चीज है, बहुत फायदा होने वाला है आपको इससे। और ये है डर्मा रोलर। जिनको डर्मा रोलर के बारे में कुछ तो पता है और ज्यादा कुछ डिटेल जानना चाहते हो कि इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या फायदे, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, तो आगे वीडियो में बने रहे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन जिनको डर्मा रोलर के बारे में पता नहीं है, तो मैं उनको फायदे के टर्म्स में बताती हूँ कि इसको यूज करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। पहला है एक्ने के स्कार्स, यानी कि पिंपल्स चले जाने के बाद जो गड्ढे पड़ जाते हैं, जो पिट्स हो जाते हैं, बहुत लोगों की नजर में लोग उसको पोर्स बोलते हैं, तो पोर्स नहीं, लेकिन पिंपल चले जाने के बाद जो गड्ढे पड़ जाते हैं, एक्ने के स्कार्स, उसको ट्रीट करने का नंबर वन सॉल्यूशन। अगर आप लेजर पीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत महंगे लगते हैं आपको, तो सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ, सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन। दूसरा, अगर आपको रिंकल्स पड़ गए हैं, झुर्रियां पड़ गई है, लाइंस आ गई है, मतलब आपका फेस जो है बिल्कुल लूज हो गया है, तो आपके स्किन में से रिंकल्स हटाने के लिए, आपकी स्किन को यूथफुल बनाने के लिए, दिस इज सॉल्यूशन। तीसरा, अगर आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, आपके स्किन में मतलब यूवी डैमेज या सन डैमेज हुआ है, तो उसके लिए अगेन एक सॉल्यूशन। चौथा, अगर आपके मतलब कहीं पे भी बॉडी पे कहीं पे स्ट्रेच मार्क्स है, या फिर कुछ सर्जरी वगैरह होने के बाद कुछ निशान वगैरह रह जाते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए अगेन नंबर वन सॉल्यूशन। तो इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे? कोई भी सीरम या क्रीम आप यूज करते हो, आपको लगता है कि आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, इसको यूज करो, इसको पहले अपने फेस पे थोड़ा सा रोल कर लो, उसके बाद में वो सीरम को अप्लाई करो, वो सीरम आपके स्किन में डीपली जाएगा, पेनिट्रेट होगा, और आपको उसका 10 नहीं 100 टाइम्स बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो गया कि आप में से, हम में से हर कोई इसको यूज कर सकता है, और इसलिए मैं भी इसको यूज करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, और इसको आपको कैसे यूज करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अभी भी कर दो यार, अभी तक भी तो अच्छा लगा ही होगा ना, तो प्लीज लाइक बटन को भी प्रेस करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि ये है डर्मा रोलर, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे उसको एक ऐसा हैंडल दिया गया है, ठीक है, जिसको आप ऐसे होल्ड कर सकते हो, और यहाँ पे होती है उसका हेड, होता है उसका हेड, और ये हेड नॉर्मल हेड नहीं है, ये ऐसा रोल हो सकता है, और उसके ऊपर आपको कई सारे नीडल्स दिखेंगे, छोटे छोटे आपको नीडल्स दिखेंगे, यही वो नीडल्स है जो आपके फेस में आपको रोल करना है। क्यों आपको आपके फेस पे तकलीफ देना है, क्यों ये नीडल्स को अपने फेस पे रोल करना है? पेन होता है, दर्द होता है, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स वार्क्स आ गए तो, ऑलरेडी इतने मार्क्स है, स्कार्स है आपके फेस पे, वो बस नहीं हुआ कि इसको रोल करके अपने फेस पे और ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाद में इसका बॉडी वॉडी पे हम जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ एक्ने के स्कार्स का, और ये सारे आप रिलेट कर सकते हो बाकी सारी प्रॉब्लम से भी, ठीक है, जैसे स्ट्रेच मार्क्स, रिंकल्स वगैरह सब पे आप इसको रिलेट कर सकते हो। जब पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, पहले छोटा सा एक दाना आता है, फिर उसमें धीरे धीरे ब्लड या पस भरने लगता है, वो वैसे बड़ा होने लगता है, एक्ने हो जाता है, फिर वो फूट जाता है, फिर उसमें से ब्लड वगैरह बाहर निकलता है, हमारी बॉडी उसको हील करती है, फिर धीरे धीरे चला जाता है, लेकिन वो अपने पीछे गड्ढा छोड़ जाता है, राइट। ये गड्ढा होना मतलब कोलेजन का प्रोडक्शन कम होना। हमारी बॉडी का एक हीलिंग सिस्टम है, कहीं पे भी आपको कुछ जख्म वगैरह हो जाता है तो पहले क्या होता है, आपको खून बहने लगता है, तो हमारी बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, पहले खून की जो बहाव है उसको रोकेगा, फिर उस पर धीरे धीरे सेल्स और टिश्यू बनने लगते हैं, फिर उस पर कवरिंग आने लगती है, फिर धीरे धीरे वो कवरिंग निकलने लगती है, और ऐसे आपकी स्किन फिर से नॉर्मल हो जाती है। इससे में कुछ टाइम लगता है, वो जो सेल्स टिश्यूज बन रहे हैं वो क्या, और आपकी स्किन हील हो रही है, आपकी खुद बॉडी नेचुरली हील करती है, आपको कोई डॉक्टर वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी छोटे मोटे जख्म तो आपकी बॉडी ऐसे हील कर देती है खुद को, राइट। तो यही नेचुरल मैकेनिज्म पे ये डर्मा रोलर काम करता है। हमारी स्किन में, आपकी स्किन में गड्ढे पड़ गए मतलब क्या, कोलेजन का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो हम उसको बोलना चाहते हैं कि भाई तू यहाँ पे कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा, और वो हम उसको बोलेंगे तो वो ऐसे नहीं सुनेगा, हमको उसको ऐसे बताना पड़ता है, कैसे, डर्मा रोलर से। डर्मा रोलर क्या करते हैं, इससे हम जहां पे भी आपको स्कार्स हुआ है, जहां पे गड्ढे हैं आपको, ये आप रिंकल्स पिगमेंटेशन किसी के लिए भी फॉलो कर सकते हो, स्ट्रेच मार्क्स किसी के लिए भी, हम स्कार्स का सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, जहां पे आपको स्कार्स है वहां पे आप इसको रोल करेंगे। कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी आपको, वहां पे आप इसको रोल करेंगे। अब इसमें होते हैं छोटे छोटे नीडल्स, ये नीडल्स क्या करते हैं, आपके स्किन में चुभते हैं,
नीडल्स है, आप इसको रोल करोगे चुभेगे ही ना, तो चुभेंगे आपकी स्किन में छोटे छोटे पंक्चर्स क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे खड्डे, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे खड्डे मत समझ लेना, बिल्कुल छोटे छोटे पंक्चर्स क्रिएट करेंगे जो आपकी स्किन में आपको थोड़ा सा पेन देंगे, थोड़ा सा दर्द देंगे। जहाँ पे भी अब आपको थोड़ा सा दर्द होने लगा, हमारी बॉडी का हीलिंग सिस्टम फिर से यहाँ पे आ गया, अब उसका पूरा ध्यान यहीं पे इसको ठीक करने में है। तो यहाँ पे हम स्कार्स के ऊपर ही इसको किए, ठीक है, अब वहाँ पे छोटे छोटे पंक्चर्स आ रहे हैं तो उसको लग रहा है कि ओके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसको ट्रीट करना है, तो वो क्या करेगा, पहला अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा, फिर कोलेजिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो उसके चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे कोलेजिन बनने लगता है और वो जो हमारे पहले के जो एक्ने के स्कार्स थे वो भरने लगते हैं। यही इसका वर्किंग मैकेनिज्म है जिस पे ये काम करता है। तो आई होप कि आपको ये समझा कि हम नीडल्स को अपने फेस पे क्यों चुभो रहे, क्या मिलता है हमको इसको चुभो के, हम हमारी बॉडी को चकमा देते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आओ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म या हीलिंग सिस्टम, आओ आके इसको हील करो। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस पे आती है और इस पे कोलेजन को बढ़ाना चालू करती है, जिससे हमारे स्किन पे जो भी स्कार्स है, गड्ढे हैं, वो भरने लगते हैं, रिंकल्स है तो हमारी मतलब जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म होने लगती है, और ऐसे ही हमारी स्किन जो है वो फिर से यूथफुल, प्लम्प और ग्लोइंग और बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो ये होता है इसका वर्किंग मैकेनिज्म। आई होप कि आपको अभी समझा कि हम इतने छोटे छोटे नीडल्स अपने स्किन में क्यों चुभ हो रहे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये इसको आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितने टाइप्स के आते हैं। ये जो रोलर दिख रहा है ऊपर, इसके ऊपर जो नीडल्स है, ये दो चीज़ें इस पर ध्यान रखनी होती है। एक तो ये कि इस पर नंबर ऑफ नीडल्स कितने हैं। दो तरीके के डर्मा रोलर आते हैं, एक में 192 नीडल्स होते हैं और एक में 540 नीडल्स होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 540 नीडल्स का डर्मा रोलर आप यूज़ करो। और दूसरा, ये जो इसकी क्वालिटी है, टाइटेनियम नीडल्स होने चाहिए। दूसरा, नीडल्स का साइज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा नीडल का साइज लेना चाहिए। डर्मा रोलर के नीडल के कई साइजेस आते हैं, 0.25, 0.5, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, बहुत सारे। लेकिन इसमें से सिर्फ 0.5 और 1 mm को ही मैं घर पे यूज़ करने की सलाह दूंगी, क्योंकि इसको आप अपने घर पे आसानी से यूज़ भी कर सकते हो और इससे आपको सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। 0.5 mm जो नीडल साइज होता है, इससे आप अपने शैलो स्कार्स, शैलो रिंकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, लार्ज पोर्स को रेड्यूस कर सकते हो, और इसको आप सिर्फ हफ्ते में एक ही बार यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 1 mm का जो नीडल साइज होता है, इससे आप अपने डीप स्कार्स, डीप रिंकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, लार्ज पोर्स और स्ट्रेच मार्क्स को भी रेड्यूस कर सकते हो, और आप इसको सिर्फ 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हो, से ज्यादा नहीं। और ये दोनों से भी सीरम और क्रीम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी 0.5 या 1 mm का नीडल साइज यूज करने की। आप कोई भी नीडल साइज यूज कर सकते हो। मैं 0.5 और 1 mm दोनों यूज करती हूँ। 0.5 में सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज करती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे 0.5 mm का नीडल साइज यूज कर रही हूँ। और इसको यूज करने से पहले जो भी आपका टूल यानी कि आपका डर्मा रोलर, बिल्कुल क्लीन और सैनिटाइज होना चाहिए। इसको सैनिटाइज करने के लिए मैं रबिंग अल्कोहल का यूज करती हूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। उसको इसमें कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए मैं इसको डिप करके रखती हूँ, और उसके बाद मैं उसको कुछ मिनट के बाद निकाल के उसको कंप्लीटली ड्राई होने दे, और फिर इसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास रबिंग अल्कोहल नहीं है तो आप इसको मिनरल वाटर से भी वॉश करके उसको कम्प्लीटली सूखने दे, और उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने से पहले आपका फेस कम्प्लीटली क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप रोलर को अपने फेस पे छोटे छोटे सेक्शंस में यूज़ करेंगे। भले से आपको पूरे गालों पे स्कार्स होगा, लेकिन पूरे गाल पे आप उसको एक साथ नहीं करेंगे। आप छोटा छोटा एरिया लेंगे, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और सिर्फ 3 ही डायरेक्शन में उसको रोल करेंगे। पहला है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगनल। हर एक डायरेक्शन में आप 10-10 टाइम्स रोल करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे मेरे चीक्स का ये छोटा सा सेक्शन ले रही हूँ, इसको अपनी उंगलियों के मदद से इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। अब हर एक डायरेक्शन में 10-10 टाइम्स आप रोल करें। पहले वर्टिकल 10 टाइम्स, हॉरिजॉन्टल 10 टाइम्स, फिर डायगनल 10 टाइम्स। ऐसे ही आप अपने पूरे फेस को कवर करेंगे। छोटे छोटे एरिया में जाना है, पूरा एक साथ पूरे फेस पे कवर नहीं करना है। आप इसको अपने अंडर आई में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग साइज का रोलर आता है, तो इसीलिए ये रोलर से अपने अंडर आई में मत करो, लिप्स पे मत करो। ये दोनों चीज को छोड़ के आप अपने पूरे फेस पे इसको कर सकते हो। और जहां तक स्पीड की बात, इसको बहुत ज्यादा स्लो मत करो वरना दर्द महसूस होगा आपको, और ज्यादा फास्ट भी मत करो, इससे आपकी स्किन भी इरिटेट हो सकती है। तो आप इसको बिल्कुल मीडियम स्पीड पे ही रखो। इससे आपके स्कार्स चले जाएंगे, आपके पिगमेंटेशन चली जाएगी, आपके रिंकल्स चले जाएंगे, आपकी स्किन बिल्कुल टाइट फर्म होगी, यूथफुल लगेगी, ग्लोइंग बनेगी। बहुत फायदे है इसके, आप इसको रेगुलरली यूज़ करो। बस जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताया उसको फॉलो करके यूज़ करो, आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा।
ऐसे ही अपने पूरे फेस को कवर कर लो, कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकता है आपको आपके पूरे फेस को कवर करने के लिए। उसके बाद आप अपने फेस को वॉश नहीं कर सकते कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए, कोई भी क्लिंजर से आप वॉश नहीं कर सकते। और पूरे एक दिन के लिए आप अपने फेस पे मेकअप वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद में जो सबसे अच्छी चीज़ होगी जो आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो वो होगा विटामिन सी और ई का सीरम। और प्लीज़ आप घर का बनाया हुआ सीरम इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको टैबलेट से बनाते हैं, और टैबलेट वाले जो सीरम आप डर्मा रोलिंग के बाद में यूज़ करोगे तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। तो यहाँ पर आप जो रेडीमेड सीरम आते हैं विटामिन सी के, आपको वही यूज़ करना होगा, या फिर विटामिन ई का सीरम। बेस्ट है विटामिन सी का सीरम क्योंकि वो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट भी होगा, तो आपकी स्किन जो है वो अंदर से ब्राइट भी होगी, जो पिगमेंटेशन हो जाता है वो भी चला जाएगा, और आपकी स्किन यूथफुल भी लगेगी। या फिर इसके जगह पे आप कोई मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो। होममेड वगैरह अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हो तो एलोवेरा की बनी कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। इसको करने के बाद आप तुरंत घर से बाहर भी नहीं निकले, 6 से 8 घंटे के लिए अवॉइड करो धूप को, और अगर आप निकलना चाहते हो उसके बाद भी तो सनस्क्रीन अप्लाई करके ही निकलना। तो बस यही सिंपल से इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करने हैं। और रही बात रिजल्ट की कि आपको कितने दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा, 1-2 दिन की तो बात नहीं है। नॉर्मल आपको कहीं जख्म भी हो जाता है ना तो उसको भरने के लिए कम से कम 8-10 दिन लगते हैं। ये जो आपके फेस पे जो स्कार्स बन गए उसको ट्रीट करना, मतलब कम से कम 1 से 2 महीने में तो आपको इसका रिजल्ट है वो दिखना शुरू होगा, और पूरा जो रिजल्ट है वो आपको मिलते मिलते 5 से 6 महीने लगेंगे। प्लीज टाइम को दिमाग में रख के आप ये ट्रीटमेंट को फॉलो मत करो, आप इसको शुरू ही नहीं कर पाओगे। ये सोचो कि आपको बस इसको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार करना है, जैसे आपकी स्किन अभी तक चलते आ रही थी वैसे ही और कुछ महीने तक चलेगी। लेकिन अगर आप इसको उस बीच में हफ्ते या 15 दिन में एक बार इसको करते रहोगे तो एटलीस्ट 4-5 महीने के बाद में आपकी स्किन जो है वो फिर से नॉर्मल तो हो जाएगी। टाइम दिमाग में रख के करोगे आप ये ट्रीटमेंट को या कोई भी चीज़ को आप फॉलो या शुरू कर ही नहीं पाओगे। ये सोचो कि मुझे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार इसको करके छोड़ देना है, और आपकी स्किन जो है वो अंदर से रिपेयर होती रहेगी। कोलाजिन 1-2 दिन में नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है। धीरे धीरे वो दर्द आपकी स्किन में जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी, कोलाजिन बनाएगी, फिर आपके जो गड्ढे हैं वो धीरे धीरे भरना चालू हो गए। तो ऐसे उसको टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट 100% मिलेगा, इतना मैं बोल सकती हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ तो सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ना मत भूलो, या पिन कॉमेंट कहीं पर भी मैं उसको दे दूंगी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है गड्ढों के लिए, रिंकल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए, हर किसी के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। प्लीज़ अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो दिया है उसको फॉलो करके ही यूज करना। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, और प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।